بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قابل قدر سامعين وناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। आज का उन्वान है हुकूक़ अज़्ज़ौजैन, मियाँ बीवी के हुकूक़, यानी मियाँ बीवी की ज़िम्मेदारियाँ। हक़ के लुगवी माना साबित होने यानी वाजिब होने के हैं। इसकी जमा हुकूक़ आती है, जैसा कि अल्लाह ताला का फ़रमान है, उन लोगों में से अक्सर लोगों पर बात साबित हो चुकी है, बस ये लोग ईमान न लाएंगे। हक़ बातिल के मुकाबले में भी इस्तेमाल होता है, जैसा कि अल्लाह ताला का फ़रमान है, और ऐलान कर दो कि हक़ आ चुका और बातिल मिट गया। यकीनन बातिल को मिटना ही था। हुकूक़ की अदायगी, शरीयत इस्लामिया ने हर शख्स को इस बात पर मुतवज्जे किया है कि वह अपने फ़राइज़ अदा करे, अपनी ज़िम्मेदारियों को सही तरीक़े पर अंजाम दे और लोगों के हुकूक़ की मुकम्मल अदायगी करे। शरीयत इस्लामिया ने हर शख्स को मुकल्लफ़ बनाया है कि वह हुकूक़ अल्लाह के साथ साथ हुकूक़ अल इबाद यानी बंदों के हुकूक़ की मुकम्मल तौर पर अदायगी करे, हत्ता के बाज़ वजूह से हुकूक़ अल इबाद को ज़्यादा एहतिमाम से अदा करने की तालीमात दी गई हैं। आज हम दूसरों के हुकूक़ तो अदा नहीं करते हैं, अलबत्ता अपने हुकूक़ का झंडा उठाए रहते हैं। दूसरों के हुकूक़ की अदायगी की कोई फ़िक्र नहीं करते हैं, अपने हुकूक़ को हासिल करने के लिए मुतालबात किए जा रहे हैं, तहरीकें चलाई जा रही हैं, मुजाहरे किए जा रहे हैं, हड़तालें की जा रही हैं, हुकूक़ के नाम से अंजुमनें और तंजीमें बनाई जा रही हैं, लेकिन दुनिया में ऐसी अंजुमनें या तहरीकें या कोशिशें मौजूद नहीं हैं कि जिनमें ये तालीम दी जाए कि अपने फ़राइज़, अपनी ज़िम्मेदारियाँ और दूसरों के हुकूक़ जो हमारे ज़िम्मे हैं वह हम कैसे अदा करें। शरीयत इस्लामिया का असल मुतालबा भी यही है कि हम में से हर एक अपनी ज़िम्मेदारियों यानी दूसरों के हुकूक़ अदा करने की ज़्यादा कोशिश करे। मियाँ बीवी के बाहमी ताल्लुकात में भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरीक़ा इख्तियार किया है कि दोनों को उनके फ़राइज़ यानी ज़िम्मेदारियाँ बता दी हैं। शोहर को बता दिया कि तुम्हारे फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, और बीवी को बता दिया कि तुम्हारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। हर एक अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों को अदा करने की कोशिश करे। ज़िंदगी की गाड़ी इसी तरह चलती है कि दोनों अपने फ़राइज़ और अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करते रहें, दूसरों के हुकूक़ अदा करने की फ़िक्र अपने हुकूक़ हासिल करने की फ़िक्र से ज़्यादा हो। अगर ये जज्बा पैदा हो जाए तो फिर ज़िंदगी बहुत उम्दा खुशगवार हो जाती है। ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी
दो अजनबी मर्द और औरत के दरमियान शोहर और बीवी का रिश्ता उसी वक्त कायम हो सकता है जबकि दोनों के दरमियान शरई निकाह अमल में आए। निकाह शरई के बाद दोनों अजनबी मर्द और औरत रफ़ीक़ हयात बन जाते हैं, एक दूसरे के रंजो खुशी, तकलीफ़ और राहत और सेहत और बीमारी गर्ज़े के ज़िंदगी के हर गोशे में शरीक हो जाते हैं। अक़्दे निकाह को क़ुरान करीम में मीसाक़े ग़लीज़ का नाम दिया गया है, यानी नहायत मज़बूत रिश्ता। निकाह की वजह से बेशुमार हराम उमूर एक दूसरे के लिए हलाल हो जाते हैं, हत्ता कि अल्लाह ताला ने क़ुरान करीम में एक दूसरे को लिबास से ताबीर फरमाया है, यानी शोहर अपनी बीवी के लिए और बीवी अपने शोहर के लिए लिबास की तरह है। शरई निकाह के बाद जब आदमी शोहर और औरत बीवी बन जाती है तो एक दूसरे का जिस्मानी और रूहानी तौर पर लुत्फ अंदोज़ हो जाना जायज़ हो जाता है और एक दूसरे के ज़िम्मे जिस्मानी और रूहानी हुकूक़ वाजिब हो जाते हैं। शरई अहकाम की पाबंदी करते हुए शोहर और बीवी का जिस्मानी और रूहानी तौर पर लुत्फ अंदोज़ होना, नीज़ एक दूसरे के हुकूक़ की अदायगी करना, ये सब शरीयत इस्लामिया का जुज़ हैं और इन पर भी अजर मिलेगा। निकाह के दो अहम मकासिद अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाए हैं। निकाह के मकासिद में से दो अहम मकसद मुंदरिजा ज़ैल आयत में बयान फरमाए हैं और उसकी निशानियों में से है कि तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां पैदा कीं ताकि तुम उनसे आराम पाओ और उससे तुम्हारे दरमियान महब्बत और हमदर्दी कायम कर दी। यकीनन गौर व फ़िक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। गर्ज़ इस आयत में निकाह के दो अहम मकासिद बयान किए गए हैं। मियां बीवी को एक दूसरे से कल्बी व जिस्मानी सुकून हासिल होता है। मियाँ बीवी के दरमियान एक ऐसी महब्बत, उल्फत, ताल्लुक, रिश्ता और हमदर्दी पैदा हो जाती है जो दुनिया में किसी भी दो शख्सों के दरमियान नहीं होती। ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी की ज़िम्मेदारियों की तीन किस्में हैं। इंसान सिर्फ इनफ़िरादी ज़िंदगी नहीं रखता है बल्कि वो फितरतन मुआशरती मिजाज रखने वाली मखलूक है। इसका वजूद ख़ानदान के एक रुकन और मुआशरे के एक फ़र्द की हैसियत से ही पाया जाता है। मुआशरा और ख़ानदान की तश्कील में बुनियादी इकाई मियाँ बीवी हैं जिनके एक दूसरे पर कुछ हुकूक हैं। शोहर की ज़िम्मेदारियाँ यानी बीवी के हुकूक शोहर पर, बीवी की ज़िम्मेदारियाँ यानी शोहर के हुकूक बीवी पर, दोनों की मुश्तरका ज़िम्मेदारियाँ यानी मुश्तरका हुकूक, शोहर की ज़िम्मेदारियाँ यानी बीवी के हुकूक शोहर पर। अल्लाह जल्ल शानुहु ने क़ुरान करीम में इरशाद फरमाया, और मर्दों पर औरतों का हक़ है जैसा कि मर्दों का औरतों पर हक है, मारूफ तरीक़े पर। इस आयत में मियाँ बीवी के ताल्लुकात का ऐसा जामे दस्तूर पेश किया गया है जिससे बेहतर कोई दस्तूर नहीं हो सकता, और अगर इस जामे हिदायत की रोशनी में इस दिवाजी ज़िंदगी गुजारी जाए तो इस रिश्ते में कभी भी तलखी और कड़वाहट पैदा न होगी इंशाअल्लाह। वाकई ये क़ुरान करीम का एजाज़ है
कि अल्फाज के इख्तिसार के बावजूद मानी का समंदर गोया के एक कूजे में समो दिया गया है। यह आयत बता रही है कि बीवी को महज नौकरानी और खादिमा मत समझना, बल्कि ये याद रखना कि उसके भी कुछ हुकूक़ हैं जिनकी पासदारी शरीयत में ज़रूरी है। उन हुकूक़ में जहां नान नफ़का और रिहाइश का इंतज़ाम शामिल है, वहीं उसकी दिलदारी और राहत रसानी का ख्याल रखना भी ज़रूरी और वाजिब है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपने घर वालों की नज़र में सबसे अच्छा हो, और घर वालों में बीवी और बच्चे सब शामिल हैं, और ज़ाहिर है कि उनकी नज़र में अच्छा वही होगा जो उनके हुकूक़ की अदायगी करने वाला हो। दूसरी तरफ इस आयत में बीवी को भी आगाह किया कि उस पर भी हुकूक़ की अदायगी लाजिम है। कोई बीवी उस वक्त तक पसंदीदा नहीं हो सकती जब तक कि वह अपने शोहर के हुकूक़ को अदा करके उसको खुश न करे। चुनांचे अहादीस में ऐसी औरतों की तारीफ़ फरमाई गई है जो अपने शोहर की ताबेदार और ख़िदमत गुज़ार हूँ और उनसे बहुत ज़्यादा महब्बत करने वाली हूँ। और ऐसी औरतों की मजम्मत और बुराई की गई है जो शोहरों की नाफरमानी करने वाली हूँ। शोहर की चंद अहम ज़िम्मेदारियाँ ये हैं: मुकम्मल महर की अदायगी। अल्लाह जल्ला शानुहु का इरशाद है, औरत को उनका महर राज़ी व खुशी से अदा कर दो। निकाह के वक्त महर की तायीन और शब ज़ुफ़ाफ़ से पहले उसकी अदायगी होनी चाहिए। अगरचे तरफ़ैन यानी मियाँ बीवी के इत्तिफ़ाक़ से महर की अदायगी को मुअख़्खर भी कर सकते हैं, महर सिर्फ़ औरत का हक है। लिहाजा शोहर या उसके वालिदैन या भाई बहन के लिए महर की रकम में से कुछ भी लेना जायज़ नहीं है। शरीयत ने कोई भी खर्चा सिन्फ नाजुक यानी औरत पर नहीं रखा है। शादी से पहले उसके तमाम अखराजात वालिद के ज़िम्मे होते हैं, और शादी के बाद औरत के खाने पीने रहने सोने और लिबास के तमाम अखराजात शोहर के ज़िम्मे हो जाते हैं। लिहाजा महर की रकम औरत की खालिस मिल्कियत है, बीवी की खालिस मिल्कियत है। इसको जहाँ चाहे और जैसे चाहे इस्तेमाल करे। शोहर या वालिद मशवरा तो दे सकते हैं, मगर उस रकम में तसर्रुफ करने का मुकम्मल इख्तियार सिर्फ़ औरत को है। इसी तरह अगर औरत को कोई चीज़ वरासत में मिली है तो वह औरत की मिल्कियत होगी। वालिद या शोहर को वह रकम या जायदाद लेने का कोई हक नहीं है। बीवी के तमाम अखराजात अल्लाह जल्ल शानहु का इरशाद है, बच्चों के बाप यानी शोहर पर औरतों यानी बीवी का खाना और कपड़ा लाजिम है दस्तूर के मुताबिक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों के सिलसिले में अल्लाह ताला से डरो, क्योंकि अल्लाह की अमान में तुमने उनको लिया है। अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से उनकी शर्मगाहों को तुम्हारे लिए हलाल किया गया है। दस्तूर के मुताबिक उनका मुकम्मल खाने पीने का ख़र्चा और कपड़ों का ख़र्चा तुम्हारे ज़िम्मे है। बीवी के लिए रिहाइश का इंतज़ाम। अल्लाह जल्ला शानुहु का इरशाद है, तुम अपनी ताकत के बक़दर जहाँ तुम रहते हो वहाँ उन औरतों को रखो। इस आयत में मुतल्लका औरतों का हुक्म बयान किया गया है कि इद्दत के दौरान उनकी रिहाइश का इंतज़ाम भी शोहर के ज़िम्मे है।
जब शरीयत ने मुतल्लका औरतों की रिहाइश का इंतज़ाम शोहर के ज़िम्मे रखा है तो हस्ब इस्तेताअत बीवी की मुनासिब रिहाइश की ज़िम्मेदारी बदरजे औला शोहर के ज़िम्मे होगी। बीवी के साथ हुस्न मुआशरत और आला अखलाक पेश करना, शोहर को चाहिए कि वो बीवी के साथ अच्छा से अच्छा सलूक करे। अल्लाह ताला का फरमान है, उनके साथ अच्छे तरीक़े से पेश आओ, यानी औरतों के साथ गुफ्तगू और मामलात में हुस्न अखलाक के साथ मामला रखो। गो तुम उन्हें नापसंद करो, लेकिन बहुत मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को बुरा समझो और अल्लाह ताला उसमें बहुत ही भलाई रखे। शोहर की चौथी ज़िम्मेदारी, बीवी के साथ हुस्न मुआशरत बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इसकी अदायगी के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। हस्ब इस्तेताअत बीवी और बच्चों पर ख़र्च करने में फराख दिली से, खुश दिली से काम लेना चाहिए। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स अल्लाह ताला से अजर और सवाब की उम्मीद के साथ अपने घर वालों पर ख़र्च करता है तो वह सदका होगा, यानी अल्लाह ताला इस पर अजर अता फरमाएगा। बीवी से मशवरा करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि घर के निज़ाम को चलाने की ज़िम्मेदारी मर्द के ज़िम्मे रखी गई है। जैसा कि क़ुरान करीम में मर्द के लिए क़वाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी मर्द औरतों पर निगहबान और मुंतज़िम हैं, लेकिन हुस्न मुआशरत के तौर पर औरत से भी घर के निज़ाम को चलाने के लिए मशवरा लेना चाहिए। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी बेटियों के रिश्ते के लिए अपनी बीवी से मशवरा किया करो। बीवी की बाज़ कमज़ोरियों से चश्म पोशी करें, ख़ास तौर पर जबकि दीगर खूबियाँ व महासिन उनके अंदर मौजूद हों। याद रखें कि अल्लाह ताला ने उमूमन हर औरत में कुछ न कुछ खूबियाँ ज़रूर रखी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर औरत की कोई बात या अमल नापसंद आए तो मर्द औरत पर गुस्सा न करे, क्योंकि उसके अंदर दूसरी खूबियाँ मौजूद हैं जो तुम्हें भी अच्छी लगती हैं। मर्द बीवी के सामने अपनी ज़ात को काबिले तवज्जो यानी स्मार्ट बनाकर रखे, क्योंकि तुम जिस तरह अपनी बीवी को खूबसूरत देखना चाहते हो वो भी तुम्हें अच्छा देखना चाहती है। सहाबी रसूल व मुफस्सिर क़ुरान हज़रत अब्दुल्ला इबन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैं अपनी बीवी के लिए वैसा ही सजता हूँ जैसा कि वो मेरे लिए ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करती है। घर के काम व काज में औरत की मदद की जाए, ख़ास तौर पर जब वो बीमार हो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के तमाम काम कर लिया करते थे, झाड़ू भी खुद लगा लिया करते थे, कपड़ों में पेवंद भी खुद लगा लिया करते थे और अपने जूतों की मरम्मत भी खुद कर लिया करते थे। बीवी की ज़िम्मेदारियाँ यानी शोहर के हुकूक़ बीवी पर क्या क्या हैं। शोहर की इताअत, अल्लाह ताला ने क़ुरान करीम में इरशाद फरमाया, मर्द औरतों पर हाकिम हैं इस वजह से कि अल्लाह ताला ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और इस वजह से कि मर्दों ने अपने माल खर्च किए हैं। जो औरतें नेक हैं वह अपने शोहरों का कहना मानती हैं और अल्लाह के हुक्म के मुवाफिक नेक औरतें शोहर की अदम मौजूदगी में अपने नफ्स और शोहर के माल की हिफाजत करती हैं।
यानी अपने नफ्स और शोहर के माल में किसी किस्म की खियानत नहीं करती हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने मर्द को औरत पर फौकियत व फजीलत देने की दो वजहें ज़िक्र फरमाई हैं। मर्द औरत व सारी कायनात को पैदा करने वाले अल्लाह जल्ल शानुहु ने मर्द को औरत पर फजीलत दी है। मर्द अपने और बीवी बच्चों के तमाम अखराजात बर्दाश्त करता है। इसी तरह दूसरी आयत में अल्लाह जल्ल शानुहु ने फरमाया, मर्दों को औरतों पर फजीलत हासिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर औरत ने ख़ास तौर पर 5 नमाजों की पाबंदी की, माह रमज़ान के रोज़े अहतमाम से रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत की और अपने शोहर की इताअत की, तो गोया वह जन्नत में दाखिल हो गई। एक औरत ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे औरतों की एक जमात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल करने के लिए भेजा है, और वो ये है कि अल्लाह ताला ने जिहाद का हुक्म मर्दों को दिया है, चुनांचे अगर उनको जिहाद में तकलीफ़ पहुँचती है तो उस पर उनको अज्र दिया जाता है, और अगर वो शहीद हो जाते हैं तो अल्लाह ताला के खुसूसी बंदों में शुमार हो जाते हैं कि मरने के बावजूद वो ज़िंदा रहते हैं और अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से खुसूसी रिज़्क उनको दिया जाता है। आयत मज़कूरा में हम औरतें उनकी खिदमत करती हैं हमारे लिए क्या अजर है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन औरतों की तरफ से तुम भेजी गई हो उनको इत्तिला कर दो कि शोहर की इताअत और उसके हक़ का एतराफ़ तुम्हारे लिए अल्लाह के रास्ते में जिहाद के बराबर है, लेकिन तुम में से कम ही औरतें इस ज़िम्मेदारी को बखूबी अंजाम देती हैं। इन दिनों मर्द औरत के दरमियान मुसावात और आज़ादी निस्वा का बड़ा शोर है, और बाज़ हमारे भाई भी इस प्रोपेगंडे में शरीक हो जाते हैं। हकीकत यह है कि मर्द औरत ज़िंदगी के गाड़ी के दो पहिए हैं। ज़िंदगी का सफ़र दोनों को एक साथ तय करना है। अब ज़िंदगी के सफ़र को तय करने में इंतज़ाम की खातिर ये लाजिमी बात है कि दोनों में से कोई एक सफ़र का ज़िम्मेदार हो, ताकि ज़िंदगी का निज़ाम सही चल सके। लिहाजा 3 रास्ते हैं। नंबर 1, दोनों को ही अमीर बनाया जाए। नंबर 2, औरत को इस ज़िंदगी के सफ़र का अमीर बनाया जाए। नंबर 3, मर्द को इस ज़िंदगी के सफ़र का अमीर बनाया जाए। पहली शक्ल में, पहली सूरत में इख्तलाफ़ की सूरत में मसला हल होने के बजाय पेचीदा से पेचीदा होता जाएगा। दूसरी शक्ल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि मर्द औरत को पैदा करने वाले ने सिन्फ नाजुक को ऐसे औसाफ से मुत्तसिफ किया है कि वो मर्द पर हाकिम बनकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। लिहाजा अब एक ही सूरत बची, और वो ये कि मर्द इस ज़िंदगी के सफ़र का अमीर बनकर रहे। मर्द में आदतन व तबान औरत की बनिस्बत फ़िक्र व तदब्बुर और बर्दाश्त की क़ुव्वत ज़्यादा होती है। नीज़ इंसानी खिलकत, फितरत, क़ुव्वत और सलाहियत के लिहाज से और अक्ल के ज़रिए इंसान गौर व खोज़ करे तो यही नज़र आएगा कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने जो क़ुव्वत मर्द को अता की है, बड़े बड़े काम करने की जो सलाहियत मर्द को अता फरमाई है, वह औरत को नहीं दी गई। लिहाजा इमारत और सरबराही का काम सही तौर पर मर्द ही अंजाम दे सकता है। इस मसले के लिए अपनी अक़ल से फ़ैसला करने के बजाय उस ज़ात से पूछें जिसने इन दोनों को पैदा किया है।
چنانچہ خالق کائنات نے قرآن کریم میں واضح الفاظ کے ساتھ اس مسئلے کا حل پیش کر دیا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً، اور دوسری جگہ ہے الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ذکر فرما دیا کہ مرد ہی زندگی کے سفر کا سربراہ رہے گا اور فیصلہ کرنے کا حق مرد ہی کو حاصل ہے، اگرچہ مرد کو چاہیے کہ عورت کو اپنے فیصلوں میں شامل کرے۔ مرد حضرات بھی اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ بے شک مرد عورت کے لیے قوام یعنی امیر کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن ساتھ ہی دونوں کے درمیان دوستی کا بھی تعلق ہے، یعنی انتظامی طور پر تو مرد قوام یعنی امیر ضرور ہے، لیکن باہمی تعلق دوستی جیسا ہے، ایسا تعلق نہیں ہے جیسا مالک اور نوکرانی کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، دونوں حالتوں میں مجھے علم ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، کس طرح آپ کو علم ہو جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو رب محمد کے الفاظ کے ساتھ قسم کھاتی ہو، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو رب ابراہیم کے الفاظ کے ساتھ قسم کھاتی ہو۔ اس وقت تم میرا نام نہیں لیتی بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، نام کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑتی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کون ناراض ہو رہا ہے حضرت عائشہ، اور کس سے ناراض ہو رہی ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ اگر بیوی ناراضگی کا اظہار کر رہی ہیں تو یہ مرد کی قوامیت یعنی امارت اور حاکمیت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوش طبعی کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا کہ مجھے تمہاری ناراضگی کا علم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح واقعہ عفق کو یاد کریں، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت اور الزام لگایا گیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر قیامت صغریٰ برپا ہو گئی تھی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شبہ ہو گیا تھا کہ کہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے واقعی غلطی تو نہیں ہو گئی ہے۔ جب آیت براءت نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی براءت کا اعلان کیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ کھڑی ہو جاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرو۔ حضرت عائشہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور براءت کی آیات سن لی، اور لیٹے لیٹے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے میری براءت اپنے پاک کلام میں نازل فرما دی، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا شکر ادا نہیں کرتی، کیونکہ آپ لوگوں نے تو اپنے دل میں یہ احتمال اور شک پیدا کر لیا تھا کہ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ بظاہر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے سے اعراض فرمایا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا نہیں سمجھا، اس لیے کہ یہ ناز کی بات ہے، یہ ناز اور نخرے در حقیقت اسی دوستی کا تقاضا ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ میاں بیوی کے درمیان حاکمیت اور محکومیت کا رشتہ نہیں بلکہ دوستی کا بھی رشتہ ہے، اور اس دوستی کا حق یہ ہے کہ اس قسم کے ناز کو برداشت کر لیا جائے۔
बहरहाल चूँकि अल्लाह ताला ने मर्द को कवाम हाकिम बनाया है, इसलिए फ़ैसला उसका मानना चाहिए। हाँ, बीवी अपनी राय और मशवरा दे सकती है, और शरीयत ने मर्द को यह हिदायत भी दी है कि वह हत्तल इम्कान बीवी की दिलदारी का भी ख्याल करे, लेकिन फ़ैसला उसी का होगा। लिहाजा अगर बीवी चाहे कि हर मामले में फ़ैसला उनका चले और मर्द कवाम न बने, तो ये सूरत फितरत के ख़िलाफ़ है, तबीयत के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है, अक्ल के ख़िलाफ़ है, और इंसाफ के भी ख़िलाफ़ है, और इसका नतीजा घर की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। शोहर के माल और आबरू की हिफाजत के सिलसिले में अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, जो औरतें नेक हैं वह अपने शोहरों की ताबेदारी करती हैं, और अल्लाह के हुक्म के मुवाफिक नेक औरतें शोहर की अदम मौजूदगी में अपने नफ्स और शोहर के माल की हिफाजत करती हैं, यानी अपने नफ्स और शोहर के माल में किसी किस्म की खयानत नहीं करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें मर्द का सबसे बेहतरीन ख़जाना न बताऊं, वो नेक औरत है, जब शोहर उसकी तरफ़ देखे तो वो शोहर को खुश कर दे, जब शोहर उसको कोई हुक्म दे तो शोहर का कहना माने, अगर शोहर कहीं बाहर सफ़र में चला जाए तो उसके माल और अपने नफ्स की हिफाजत करे। शोहर के माल की हिफाजत में यह है कि औरत शोहर की इजाज़त के बग़ैर शोहर के माल में से कुछ भी न ले, और उसकी इजाज़त के बग़ैर किसी को भी न दे। हाँ, अगर शोहर वाकई बीवी के अखराजात में कमी करता है तो बीवी अपने और औलाद के ख़र्चे को पूरा करने के लिए शोहर की इजाज़त के बग़ैर माल ले सकती है। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंद बिनत उतबा से कहा था, जब उन्होंने अपने शोहर अबू सुफियान के ज़्यादा बखील होने की शिकायत की थी, उतना माल ले लिया करो जो तुम्हारी और तुम्हारी औलाद के मुतवस्सित खर्चे के लिए काफ़ी हो। शोहर की आबरू की हिफाजत में यह है कि औरत शोहर की इजाज़त के बग़ैर किसी को घर में दाखिल न होने दे, किसी नामहरम से बिला ज़रूरत बात न करे, शोहर की इजाज़त के बग़ैर घर से भी बाहर न निकले, घर के अंदरूनी निज़ाम को चलाना और बच्चों की तरबियत करना ये औरतों की वो ज़िम्मेदारी है जो उनकी खिलकत के मकासद में से एक अहम मकसद है, बल्कि ये वो बुनियादी ज़िम्मेदारी है जिसकी अदायगी औरतों पर लाजिम है। औरतों को इस ज़िम्मेदारी के अंजाम देने में कोई कमी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी ज़िम्मेदारी को सही तरीक़े पर अंजाम देने से फैमिली में आराम और सुकून पैदा होगा, नीज़ औलाद दोनों जहान की कामयाबी व कामरानी से सरफराज होगी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब सहाबे किराम अपनी बेटी या बहन को रुख्सत करते थे तो उसको शोहर की खिदमत और बच्चों की बेहतरीन तरबियत की खुसूसी ताकीद करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत अपने शोहर के घर में निगहबान और ज़िम्मेदार है, और इससे उसके बच्चों की तरबियत के मुतालिक सवाल किया जाएगा। बीवी की चंद अहम दीगर ज़िम्मेदारियाँ, बीवी शोहर की इजाज़त के बग़ैर नफली रोज़ा न रखे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी औरत के लिए हलाल नहीं कि वह अपने शोहर की मौजूदगी में रोज़े रखे मगर शोहर की इजाज़त से, यानि किसी औरत के लिए नफली रोज़ा रखना शोहर की इजाज़त के बग़ैर हलाल नहीं है। औरत के दिल में शोहर के पैसे का दर्द हो, औरत के दिल में शोहर के पैसे का दर्द होना चाहिए ताकि शोहर का पैसा फजूल खर्ची में खर्च न हो।
घर को नौकरानियों पर नहीं छोड़ना चाहिए कि वो जिस तरह चाहें करती रहें, बल्कि औरत की ज़िम्मेदारी है कि वह घर के दाखिली तमाम उमूर पर निगाह रखे। चंद मुश्तरका हुकूक और ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, हत्तल इम्कान खुशी व राहत व सुकून को हासिल करने और रंजो गम को दूर करने के लिए एक दूसरे का तआवुन करना चाहिए। एक दूसरे के राज लोगों के सामने ज़िक्र न किए जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ियामत के दिन अल्लाह जल्ल शानुहु की नज़रों में सबसे बदबخت इंसान वो होगा जो मियाँ बीवी के आपसी राज को दूसरों के सामने बयान करते हैं। शोहर बाहर के काम और बीवी घरेलू काम अंजाम दे। कुरान और सुन्नत में वाज़ह तौर पर ऐसा कोई क़तई उसूल नहीं मिलता जिसकी बुनियाद पर कहा जाए कि खाना पकाना औरतों के ज़िम्मे है। अलबत्ता हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा की शादी के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के दरमियान काम की जो तकसीम की वो इस तरह थी कि बाहर के काम हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु देखते थे, घरेलू काम मसलन खाना बनाना, घर की सफाई करना वगैरह, ये हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के ज़िम्मे था। लेकिन याद रखें कि ज़िंदगी कानूनी पेचीदगियों से नहीं चला करती, लिहाजा जिस तरह कुरान और हदीस में मज़कूर नहीं है कि खाना पकाना औरत के ज़िम्मे है, इसी तरह कुरान और सुन्नत में कहीं वाज़े तौर पर यह मौजूद नहीं है कि शोहर के ज़िम्मे बीवी का इलाज कराना लाजिम है। इसी तरह कुरान और सुन्नत में मर्द के ज़िम्मे नहीं है कि वो बीवी को उसके वालिदैन के घर मुलाकात के लिए ले जाया करे। इसी तरह अगर बीवी के वालिदैन या भाई बहन उसके घर आएँ तो मर्द के ज़िम्मे नहीं है कि मुर्गो मुसल्लम और कोफ्ते और कबाब वगैरह लेकर आएँ। मालूम हुआ कि दोनों एक दूसरे की खिदमत के जज्बे से रहें, बाहर के काम मर्द अंजाम दें और औरत घर के मामलात को बखूबी अंजाम दें। अल्लाह जल्ल शानुहु हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए, दीन की सही समझ अता फ़रमाए। अल्लाह जल्ल शानुहु ने मियाँ बीवी एक दूसरे के ऊपर जो ज़िम्मेदारियाँ हैं हर एक को अच्छे अंदाज से ज़िम्मेदारी निभाने की तौफीक अता फ़रमाए। وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين। हाईटेक न्यूज़ के दिनी प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया है GF ग्रुप प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स, प्रोप्राइटर मोहम्मद अब्दुल गनी, हैदराबाद एंड विकाराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9396486622 और 9652861022।